फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का अरे कहना क्या चाहते हो? का वीडियो मैं अपना आपको एक ड्यूटी कैसे करता हूँ वो दिखाने वाला हूँ। तो अभी मेरा टीओ हो गया है, आपका टीओ मेरा 6:30 बजे का है और मुझे आज हटिया जाना है जो कि यहाँ से 160 किलोमीटर है। तो आज 160 किलोमीटर का जर्नी होने वाला है। तो अभी कुछ देर बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। तो यहाँ से 10 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है लॉबी का, तो कुछ देर बाद मैं निकलूँगा। तो अभी मैं पूरा रेडी हो गया हूँ, तो जाना है बस और उधर से पायलट आना है। गाड़ी कोई भी गाड़ी पकड़ के आप आ सकते हैं, एक्सप्रेस वगैरह। तो आपको बहुत ही अच्छा आज ब्लॉग मिलने वाला है। पायलट जाने के लिए यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे थे और इसके बाद यहाँ से पायलट गए थे क्योंकि हम लोगों का गाड़ी कहीं और राहुल किला से था, तो वहाँ से हम लोग को चार्ज लेना था। तो वही गाड़ी का वेट कर रहे हैं, फिर यहाँ से साइन ऑन करके हम लोग निकलते हैं। तो देखिए सुबह का व्यू है, आप अभी आपने देखा कि मेरा ड्यूटी कैसे साइन ऑन किया और मैं पायलट मतलब राहुल किला चला गया। तो राहुल किला जाने के बाद हम लोगों को करीब 5 आवर्स वेट करना पड़ा, तब जाके वहाँ गाड़ी आई। तो हम लोग चार्ज लिए और चार्ज में देखे कि आज WAG-7 में वर्किंग करना पड़ेगा हम लोगों को। तो WAG-7 एक कन्वेंशनल लोको है, आपको भी पिक्चर में दिख रहा होगा, नीचे देखेगा। तो ये लोको हम लोग ने चार्ज लिया और मैं यहाँ ऐसे अकेला था क्योंकि मेरे जो लोको पायलट और गार्ड थे वो हटिया डिवीज़न के थे और मेरा जो मैं यहाँ से अकेला गया था क्योंकि वो उधर से पुश पुल आए थे। पुश पुल लोड मतलब होता है कि वो अकेले आए थे पीछे से, उनको ट्रैक्शन देना पड़ता है, कहीं कहीं अपग्रेडियंट रहता है। तो इसके वजह से उनका मतलब LP नहीं था उनके साथ, तो मुझे बुक किया गया था क्योंकि मेरा LR हटिया का है। तो मैं गया था इसलिए, और उधर से मैं हम लोगों को पायलट आना पड़ता है तो हटिया, इसलिए मुझे अकेले बुक किया गया था। 5 आवर्स होने के बाद भी गाड़ी आई, तो गाड़ी एक चीज़ अच्छा हुआ कि जो गाड़ी हम लोगों ने चार्ज लिया वो गाड़ी को बहुत ही अच्छा चलाया कंट्रोलर ने और लगभग 5 आवर्स मतलब 10.5 घंटे में हम लोग वहाँ टोटल हम लोग की ड्यूटी हुई और हम लोग वहाँ हटिया पहुँच गए। और पहुँचने के बाद तुरंत ही मतलब एक पैसेंजर ट्रेन जाने वाली थी, उससे पहले 2 एक्सप्रेस थी वो मेरी छूट गई। तो कंट्रोल 2 एक्सप्रेस छूटने के बाद मुझे एक पैसेंजर मिली जो कि बहुत ही डिले रहती है, मगर उसमें मुझे आना पड़ा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसमें मैं आया, फिर जा कर के मुझे आने में करीब 8 आवर्स लग गए। तो ओवर तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग मैं वहाँ से अकेले आया और पैसेंजर में मुझे आना पड़ा क्योंकि 2 एक्सप्रेस ट्रेन छूट गया था। तो उसके चलते मुझे पैसेंजर में आना पड़ा और पैसेंजर 8 आवर्स लगा दिए, तो टोटल टी हो गई मेरी 18 आवर्स की। तो उसके बाद फिर मैं ऑफ किया हूँ तो 30 PR लग गया है। 30 PR मतलब कि आपको हर 7 डेज में एक रेस्ट मिलता है जिसको 30 पीरियोडिक रेस्ट बोला जाता है, जो कि 30 आवर का रहता है। तो फिर वही रेस्ट मेरा आज लगा है। और आज और बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है तो उसका मैं अभी आंसर दूंगा। तो मतलब कमज़ोर है किसी का तो रीजनिंग के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले आप जो भी टॉपिक वाइज आपको सारा रीजनिंग तो हार्ड नहीं लग रहा होगा, जो भी रीजनिंग हार्ड लग रहा है उसका एक टॉपिक को सेलेक्ट करिए और यूट्यूब में सारा वीडियो अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब में सर्च करिए और अगर उसमें आपका 100% है कि आपके क्लियर हो जाएगा तो आप सर्च करिए, जा करके आपको मिल ही जाएगा वीडियो। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो है CBT2 के लिए वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो भी हम लोग के समय से एड हुआ है सब्जेक्ट, तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करिए। नीरज सर है, वाईफाई स्टडी के थे पहले, उनका प्रीवियस वीडियो देखिए, वही वीडियो में फॉलो किया था और वो वीडियो सफिशियंट है। तो आपको सारा 12 और 11 पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, उनका वीडियो देखिए और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इजीली कर लेंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ट्रेड के लिए कौन सा बुक ले, तो ट्रेड के लिए आप अपना आर्यन पब्लिकेशन का मैं फॉलो किया था जो कि मैकेनिक डीजल का था। तो आप उसी तरीक़ा से आर्यन पब्लिकेशन का आपके ट्रेड का भी आता होगा फीटर वगैरह,
या जो भी इलेक्ट्रीशियन या कोई भी कुछ ITI कर रहे होंगे तो आप ले सकते हैं। और तो वहाँ से आपको प्रॉपर आप बेसिक अपना क्लियर करिए, और फिर वो पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप इजली सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं अपना ड्यूटी एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी फ्यूचर में ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस जॉब में आना है तो आपको इसके लिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अभी से मिल रहा है, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं अपना कभी कल ड्यूटी एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके इस जॉब रिलेटेड। तो ऐसे मतलब ड्यूटी होता है, और कभी कल ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कल कम हो जाती है, तो इसमें आपको मतलब रेस्ट भी मिलता है, प्रॉपर रेस्ट मिलता है। उसके बाद ही आपका नंबर जब आता है, और नंबर आने का भी प्रोसेस होता है, वो मैं कोई वीडियो में बता दूंगा अच्छे से। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में, और आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट जरूर करिएगा, और एक लाइक कर दीजिए और और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि जल्दी से 1K मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।